बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अवेज करनी, आई वी जे एस टी एच एम एंड यू एस सी टीचर अलुमनाई। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मुस्लिम लीग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म एंड द लखनऊ पैक्ट। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। जी मुस्लिम लीग, सबसे पहले एज यू नो दैट जी के मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई जमात नहीं थी, मुसलमान कांग्रेस के अंदर ही अपनी मेंबरशिप ले रहे थे। बट आफ्टर द फ्यू टाइम दे हैड रियलाइज दैट कांग्रेस वॉज नॉट द पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स, बिकॉज दे डिड नॉट प्रोमोट द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो दैट्स वाई द पीपल थाट दे वुड हैव देयर ओन पार्टी, और जिसका नाम फिर आगे जाके मुस्लिम लीग बना। तो ये वो सिचुएशन थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का बनना वजूद में आया। तो जी मुस्लिम लीग किस तरह बनती है, अब इसको ज़रा हम पढ़ लेते हैं। द सक्सेस ऑफ सिमला डेपुटेशन इट इम्पेरेटिव फॉर द मुस्लिम लीग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू हैव देयर ओन पोलिटिकल पार्टी। तो शिमला डेपुटेशन के बाद ये कंपल्सरी हो चुका था कि मुसलमानों की एक अपनी पोलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1906 एट यूपी। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ जी, 1906 के अंदर उत्तर प्रदेश में हुई। द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड बाय नवाब वकारुल मुल्क। तो जो मीटिंग थी उसको प्रेजाइड कौन कर रहे थे, नवाब वकारुल मुल्क। सलीमुल्ला खान प्रेजेंटेड अ रेजोल्यूशन फॉर द मुस्लिम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम्स पॉलिटिकल पार्टी। ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर मुस्लिम लीग को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो मुस्लिम लीग को प्रेजेंट करने वाले कौन है जी, सलीमुल्ला खान। और किस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, मतलब मुस्लिम लीग का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, ये आपके जहन में होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया गया। ठीक है जी, और जो रेजोल्यूशन किसने जी पेश की, सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है जी, 13 दिसंबर 1906 फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका। 30 दिसंबर 1906 पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी कहाँ पे जी, ढाका के अंदर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फर्स्ट रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसे ग्रीन बुक भी कहा जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट ही लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग इज़ आल्सो नोन एज अ ग्रीन बुक। जैसा कि आजकल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ग्रीन बुक ही है। तो सर आगा खान वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। सर आगा खान जो है वो मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए। सर सुल्तान महमूद शाहिद वाज द नेम ऑफ सर आगा खान। तो सर आगा खान का ओरिजिनल नाम क्या है, ये आप लोग याद कर लें, टेस्टों में अक्सर आता है। सुल्तान मोहम्मद शाहिद वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सर आगा खान। मेजर हसन बिलग्रामी वाज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मेजर जो हसन बिलग्रामी थे वो इलेक्ट हुए एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसके बाद जी मोहम्मदन एसोसिएशन टर्न्ड इनटू अ ब्रांच ऑफ अ मुस्लिम लीग। जो मोहम्मदन एसोसिएशन थी वो जी मुस्लिम लीग की ब्रांच के अंदर तब्दील हो गई। नवाब ऑफ ढाका प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। जी मुस्लिम लीग बन गई, उसके फिर जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो नवाब ऑफ ढाका ने प्रेजेंट किए थे। द हेडक्वार्टर ऑफ द मुस्लिम लीग एट लखनऊ। तो जो हेडक्वार्टर था मुस्लिम लीग का वो लखनऊ के अंदर था। उसके बाद जी जस्टिस शाहदीन प्रेजाइडेड ओवर द सेकंड सेशन। अब मुस्लिम लीग बन गई, मुस्लिम लीग के बाद फिर उसका सालाना सेशन होने लग गया। तो ये उसकी बात हो रही है, जो सेकंड सेशन था उसको प्रेजाइड करने वाले थे जस्टिस शाहदीन। ठीक है, सैयद आमिर अली इस्टेब्लिश मुस्लिम लीग इन लंदन इन 1908। तो मुस्लिम लीग को लंदन में बनाने वाले कौन थे जी, सैयद आमिर अली। कायदे आजम ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913। मतलब 1913 के अंदर कायदे आजम ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड ऑन 29th and 13th December 1907 एट कराची। सर आदम जी पीर भाई वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फर्स्ट सेशन। तो जी ये कौन थे, सर आदम जी पीर भाई, ये भी अक्सर सवाल मोस्टली टेस्टों के अंदर रिपीट होता है। तो इसको भी जी पॉइंट आउट कर लें कि सर आदम जी पीर भाई वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज हेल्ड एट कराची 20th, एंड जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है।
उसके बाद जी आगे चलते हैं। ओइंग टू मुस्लिम लीग अचीवमेंट मिस्टर शरफुद्दीन एट कोलकाता। तो मिस्टर शरफुद्दीन जो थे उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मुस्लिम लीग की कि वो कोलकाता में से थे। मिस्टर मतलब असल में ये क्या है जी, कोलकाता के जो लगे थे ये जज लगे थे, ठीक है जी। उसके बाद मिस्टर करामत हुसैन वाज अपॉइंटेड एट अलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो करामत साहब थे वो अलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट हो गए। मिस्टर शाहदीन ऊपर देख रहे हैं जी, जिन्होंने क्या किया था जी, सेकेंड सेशन को प्रिजाइड किया था। तो मिस्टर शाहदीन अपॉइंटेड एट पंजाब हाई कोर्ट। लियाकत अली खान ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1923 के अंदर जी लियाकत अली खान ने ज्वाइन की। उसके बाद जी फातिमा जिना ने 1939 के अंदर ज्वाइन की। अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन की 1922 के अंदर। मुस्लिम लीग सेकंड एनुअल सेशन वाज हेल्ड एट अलीगढ़, ठीक है, इन 1908 एट द रेजिडेंस ऑफ नवाब मुजम्मिल उल्ला खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, ठीक है। जो सेकंड सेशन था वो उनके मुजम्मिल्ला खान के घर के ऊपर हुआ था, जो कि अलीगढ़ कॉलेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। मुस्लिम लीग ने फिर क्या किया, मुस्लिम लीग ने डिमांड किया फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रूल फॉर इंडिया 1913 के अंदर मुस्लिम लीग ने डिमांड किया किसका जी, सेल्फ रूल फॉर इंडिया का। आगे चलते हैं जी। अब जी ये कुछ सेशन है मुस्लिम लीग के सेशन है, ठीक है जी। नेम ऑफ प्रेसिडेंट किसके, ईयर ऑफ सेशन के, तो 1906 में नवाब वकारुल मुल्क थे फर्स्ट ऑनररी प्रेजेंट प्रेसिडेंट। सेकंड में जी सर आदम जी पीर भाई। उसके बाद 1908 के अंदर सर अली इमाम, इसी तरह ही सर आगा खान, और इस तरह ये चलते चलते डिफरेंट सेशंस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और लास्ट के अंदर जी सर मोहम्मद अली जिना, मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना 1916 के अंदर उन्होंने क्या किया जी, जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद जी फिर आगे चलते हैं जी, 1917 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली, फिर जी 1980 के अंदर एके फजलुल हक, 1990 के अंदर हाकिम अजमल खान, 20 के अंदर डॉक्टर एम ए अंसारी, फिर मौलाना हसरत मुहानी, गुलाम मोहम्मद बुर्गिन, फिर 1924 के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, फिर 25 के अंदर जी कौन थे, सर अब्दुल रहीम। उसके बाद जी 1926 में सर अब्दुल कादिर, 27 के अंदर सर मोहम्मद याकूब, दैन मोहम्मद अली जिना। उसके बाद जी 30 के अंदर सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है जी। उसके बाद 1931 के अंदर सर जफरुल्ला खान, फिर जी 33 के अंदर के बी हाफिज हिदायत हसन, फिर जी मोहम्मद अली जिना, फिर 1936 के अंदर सर वज़ीर हुसैन, और उसके बाद जी कायद आज़म को परमानेंट प्रेसिडेंटशिप मिल चुकी थी किसकी जी, मुस्लिम लीग की। तो 1937 से लेकर 1947 तक जो कायद आज़म थे उन्होंने जितने भी सेशन थे उनको क्या किया जाता था जी, प्रेसाइड किया था। उसके बाद हम चलते हैं, इसी दौरान जब मुस्लिम लीग बन रही थी तो एक रिफॉर्म आया था जिस जो कि बहुत पॉपुलर है टेस्टों में, इसके हवाले से सवाल भी आते हैं, वो है जी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जी कब बना था, 1909 के अंदर। हिंदू महाशपरा एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इमर्ज, ये एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जो इमर्ज हुई थी। इन 1908 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल फॉर्म द डेमोक्रेटिक फ्लोरिशमेंट इन इंडिया। तो जी एक अनाउंसमेंट आई थी 1908 के अंदर के जी अंग्रेज़ों की तरफ से, गोरों की तरफ से, कि जी इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक जो है मतलब डेमोक्रेसी को जो है फैलाया जाएगा और उसकी यकीन दहानी की जाएगी। तो मुसलमानों ने इसके ऊपर अपने कान खड़े किए और उन्होंने भी एक ज़बरदस्त किस्म की पार्टिसिपेशन दी और उससे फिर मुसलमानों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। लॉर्ड मिंटो केम टू इंडिया एज अ वायसरे इन 1905। तो लॉर्ड मिंटो जो थे, ठीक है जी, मिंटो जो थे वायसरे थे और मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी है। जैसा कि आजकल हमारे पास एक होता है प्रेसिडेंट और दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ऐसे ही समझ लें, मतलब ये दो हाईएस्ट पोस्ट हैं किसकी, गवर्नमेंट की। तो उस टाइम के ऊपर बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसके अंदर कुछ इस तरह का रूल चलता था, डायरेक्ट जो है ब्रिटेन से हमारे ऊपर रूल किया जाता था और वो एक वायसरे भेजते थे और उनका एक सेक्रेटरी होता था। तो जो मिंटो है वो जी वायसरे है और जो मॉर्ले है वो उनका सेक्रेटरी है।
उसके बाद जी रेन ऑफ लॉर्ड मिंटो, अक्सर टेस्टों में सवाल आता है, ये 5 साल के लिए आए थे 1905 से 1910 तक। लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एज आई टोल्ड यू। द एक्ट ऑफ 1909 इलार्ड द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट वाज रेज फ्रॉम 16 to 60। मतलब जो 1909 के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी सीटें 16 से 60 तक बढ़ा दी गई। मेंबरशिप ऑफ बंगाल, यूपी, बिहार, बंबई, मद्रास एंड ओडिशा वाज फिक्स्ड एट 50 मेंबर्स। मतलब इन सब की जो मेंबरशिप थी वो 50 तक कर दी गई। द मेंबरशिप ऑफ द पंजाब, बर्मा एंड असम वाज फिक्स्ड एट 30 मेंबर्स। उसके बाद ही एंड 6 सीट्स रिजर्व फॉर द लैंडलॉर्ड्स एंड 2 फॉर द मुस्लिम्स एंड 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये असल क्या है जी, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म का रिजल्ट है। द एक्ट रेज द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फ्रॉम 2 to 4 इन बंबई, बंगाल एंड मद्रास। डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट बाय मुस्लिम लीग वॉज पुट फॉरवर्ड इन 1909। दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। यही पॉइंट हमारे लिए आगे चल के मुसलमानों के लिए बहुत सॉलिड रीज़न बना, जिसकी वजह से फिर मुसलमानों ने अलग से जी अपना एक मुल्क बनाने में वो कामयाब भी हुए। द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मिंटो रिफॉर्म के अंदर इनकॉर्पोरेटेड किया गया। द एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्लिम जज वॉज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट जजेस डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर जी लगे थे, अपॉइंट हुए थे, तो ये भी सारा जो रिजल्ट था वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म का था। दिस एक्ट नॉट प्रोवाइड द मूड ऑफ द इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। अब जी जो गोरे थे वो बहुत ही शातिर दिमाग के थे, तो उन्होंने जी सीट्स तो दे दी, बट दे डिड नॉट गिव अस द मेथड हाउ टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब मेथड कोई नहीं था, बस मुसलमान खुश हो रहे थे कि जी हमें सीटें मिल गई, बट मेथड तो कोई था ही नहीं कि किस तरह मतलब इलेक्ट होंगे रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर जी एक नई जंग छेड़ पड़ी, और फिर आगे जी आगे आने वाले दिनों के अंदर फिर ये आपके पास चेम्सफोल्ड रिफॉर्म जो आया था उसके अंदर यही सेम कहानी आगे चलती है। बहरहाल उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग। जैसे आपके बताया जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो थे, वो 1905 से 1910 तक रहे, और 1910 में लॉर्ड हार्डिंग आ गए और ही वॉज बिकेम द वाइसरे ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और 1910 से लेकर 1916 तक ये रहे। उसके बाद जी लखनऊ पैक्ट की बात कर लें। लखनऊ पैक्ट एक बहुत आप इसे कह सकते हैं कि बिग ब्रेक थ्रू इन द पॉलिटिक्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो जो लखनऊ पैक्ट था उसके फ़ायदे जो है वो मुसलमानों को ही हुए, ख़ास तौर पे जी जो कायदे आज़म थे ना, उनको उनका जो है जो एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था लखनऊ पैक्ट से। तो जी अब आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग जो है शिफ्टेड इट्स ऑफिस फ्रॉम अलीगढ़ टू लखनऊ इन 1930। कायदे आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन 1930। तो जो कायदे आज़म है उन्होंने तो कांग्रेस भी ज्वाइन की हुई थी। मौलाना मोहम्मद अली लॉन्च्ड कॉमरेड इन 1911 इन इंग्लिश। 1911 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड जो एक उनका किताबचा था उसको पब्लिश किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लॉन्च हिलाल इन 1912 इन इंग्लिश। इन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी हलाल का किताबचा 1912 के अंदर इंग्लिश के अंदर पब्लिश किया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड बाई द मुस्लिम लीग एट लखनऊ इन 1930। तो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लखनऊ के ऊपर 1913 में उसको क्या किया जी, अडॉप्ट किया। द लखनऊ पैक्ट वॉज कन्फर्म बाय द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड एट केसर बाग बदारी। ठीक है, केसर बाग बरदारी। ठीक है, हुआ कहाँ था लखनऊ पैक्ट? असल में जी एनुअल सेशन जो हुआ था वो केसर बाग के अंदर हुआ था, बरदारी के अंदर। उसके बाद लखनऊ पैक्ट वॉज पास्ड इन 1916। हिंदू मुस्लिम डिमांडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो मुसलमान जो थे वो अपना बिल्कुल जी सेल्फ जो है डिमांड कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया के लिए। तो ये एक कंटिन्यूसली स्ट्रगल थी मुसलमानों की, जो कि स्ट्रगल के बाद मुसलमान जो है वो काफ़ी अच्छी जगह तक पहुंचे। ठीक है जी, अब एक मिनट हम पीछे चलते हैं
जी, तो यहाँ पे थे हम जी। इन द सेंटर देयर विल बी एन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 150 मेंबर्स। तो जी एक सेंटर के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके मेंबर थे 150। सरोजिनी नायडू वाज गिवन द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनिटी टू द कायदे आजम। कायदे आजम को ये टाइटल मिला था, देने वाला कौन था? सरोजिनी नायडू। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ज्वाइंट सेशन, मुस्लिम लीग और जी कांग्रेस का ये ज्वाइंट सेशन था। उसके बाद एनी बसंत स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर इन इंग्लिश नेम न्यू इंडिया। गांधी रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ 46। मुस्लिम सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव एग्रीड इन लखनऊ पैक्ट वाज 1/3। दिस इज द मेजर अचीवमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। उसके बाद इन लखनऊ पैक्ट हिंदू फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन। तो ये फ़ायदा हुआ ना लखनऊ पैक्ट का कि फर्स्ट टाइम जी मुसलमानों को एज अ सेपरेट नेशन जो है एक्सेप्ट किया गया। कायदे आजम आर द आर्किटेक्चर ऑफ द लखनऊ पैक्ट। कायदे आजम प्रिजाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द 1916 ऑफ द मुस्लिम लीग। द एनुअल सेशन ऑफ द 1906 कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड बाय अंबिका चरण, उसके बाद मैम बदर। ठीक है जी, तो ये जो लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ पैक्ट में कायद मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन था। तो मुस्लिम लीग का जो सेशन था वो प्रेजाइड कर रहे थे कायदे आजम, और जो कांग्रेस का सेशन था उसको प्रेजाइड कर रहे थे अंबिका चरण। और इसकी वजह से जो कायदे आजम है उनको एक जो है टाइटल मिला था जिसे कहते हैं एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, देने वाले थे सरोजिनी नायडू। उसके बाद जी लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए, जो 1916 से लेके 1921 तक जिन्होंने यहाँ पे रूल किया। तो होपफुली जी यू हैव लर्न अलॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़।